हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय मस्त किचन वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ पैनकेक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी बहुत ही स्पेशल है और इस रेसिपी के साथ आप बहुत ही अच्छा पैनकेक सेहत भी बनाएंगे। तो लेट्स मूव टू माय मस्त किचन टू प्रिपेयर पैनकेक। पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 2 अंडे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 2 टेबलस्पून बटर और 1.5 कप मिल्क। और हमें चाहिए 3/4 कप चीनी। इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। आप रेडीमेड पाउडर शुगर भी यूज कर सकते हैं और 1 पिंच नमक। सबसे पहले हम एक बोल में मिल्क ऐड करेंगे। हमने एक योक्स को एक व्हाइट से अलग कर लिया है। हम इस दूध में 1 योक को डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मैंने हैंड बीटर यूज की है, आप फोर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें हम बटर ऐड कर देंगे। ये मेल्टेड बटर था, अब फिर से इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब एक छलनी लेंगे और इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ हम 1 पिंच सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। अब इसको छान लेंगे। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ऐसे मिक्स कर ले अच्छी तरह। इसको बहुत अच्छे से बीट करिए ताकि इसमें लम्स बिल्कुल ना बने। अब देखिए दोस्तों, ये बैटर अच्छी तरह बीट हो गया है, यहाँ पे कोई लम्स नहीं है। अब हम बैटर में 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम एक दूसरा बोल लेंगे। बोल में हम 1 व्हाइट्स को ऐड करेंगे और इसको बीट करेंगे जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। अब देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह बीट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीनी ऐड करेंगे और बीट करते रहेंगे। ऐसे हम चीनी ऐड करते रहेंगे और बीट करते रहेंगे। हमने सारी चीनी ऐड कर दिया है। अब 1 व्हाइट्स और पाउडर शुगर अच्छी तरह मिक्स हो गया है, ये देखिए।
अब इस मिक्सचर को बैटर में ऐड करेंगे। अब इस दोनों मिक्सचर को जेंटली फोल्ड करेंगे। दोस्तों हमारा पैनकेक बैटर तैयार हो गया है। हम एक पैन को गर्म कर लेंगे और थोड़ा सा बटर के साथ ऐसे ब्रश कर लेंगे। अब हम एक स्कूप बैटर इस पैन में ऐड करेंगे। अब इसको हम एक मिनट तक मीडियम लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, एक मिनट बाद पैन केक के ऊपर ऐसा बबल्स फॉर्म हो जाएगा। इसके मतलब है पैनकेक्स पलटने का वक्त आ गया है, तो हम इसको पलट देंगे ऐसे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। अब हम इस साइड को भी एक मिनट फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा साइड ऐसा बनेगा। तो हमारा एक पैनकेक बन गया है। सेम तरीके से हम बाकी पैनकेक्स को बना लेंगे। दोस्तों हमारा पैनकेक बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस पैनकेक्स को एक डॉलप बटर और अपना पसंदीदा सिरप के साथ सर्व करेंगे। मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिरप इस्तेमाल किया है। दोस्तों हमारा सुपर टेस्टी पैनकेक्स बनकर तैयार हो गया है। अगर मेरी रेसिपीज आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई मस्त किचन।